प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर महाराष्ट्र के पंढरपुर में दो नेशनल हाईवे के विस्तार की आधारशिला रखेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ के शिविर में एक जवान ने ही अपने सहयोगियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक गोली चलाने की इस घटना में चार जवानों की मौत हो गई, जबकि अन्य तीन साथी घायल हो गए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले को रद्द करते हुए राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। वाशिम जिले की मालेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम में विवाह न करवाने से नाराज पुत्र ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कोरोना और कोरोना के बाद स्कूली छात्रों के सीखने की क्षमता का आकलन करेगा। बैतूल जिले में बहन और जीजा के बार बार आने से नाराज साले ने जीजा की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी। झारखंड के देवघर जिले में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के लाभान्वितों के बैंक खाते से रकम उड़ाने वाले 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ कानपुर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक से कुचल जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। पीड़ितों ने अमृत खरीदने के लिए अपनी कार रोकी थी, तभी ट्रक ने उनके वाहन को पीछे से टक्कर मार दी।